युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 19 फरवरी 2020 दिन बुधवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज एकादशी तिथि दोपहर 3:02 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और विशेष तौर पर बिजनेसमैन के लिए ये यात्रा शुभ होगी, इसलिए यदि आज आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आज आपकी एप्लीकेशन बिना परेशानी के जल्द ही पास हो जाएगी। आज आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे और आपके शत्रु एक भी योजना आपको हानि पहुंचाने में असफल होगी। विशेष तौर पर यदि आप मैथमेटिक्स या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। छात्र यदि आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मन बना रहे हैं या इस दिशा में आज कोई कदम उठाते हैं तो आज आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रंजन शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी आज का दिन शुभ है। सरकारी कर्मचारियों को आज मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर होने की सूचना प्राप्त हो सकती है, परंतु आज आप किसी भी हालत में अंडा, मीट, मुर्गा या शराब का सेवन ना करें, ये आज आपको भाग्यहीन बना देगा। आज व्रत रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होगा। आज आप पीला मीठा चावल बनाकर गरीब बच्चों में बांटें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से कोई भी राशि का जातक बड़ी सरलता से बजरंगबली हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकता है और अपने जीवन में आ रही समस्त परेशानियों से मुक्त हो सकता है। आज आप रात्रि के समय हनुमान जी की प्रतिमा के आगे एक चौमुखी दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक का अर्थ होता है दीपक के चारों ओर बत्ती लगाना और उसको जलाना। दीपक जलाने के पश्चात आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आज आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर भाग जाएंगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार समित मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।